हेलो एंड वेलकम एवरीवन एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ योर क्लास 11 एंड द चैप्टर नेम इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज सो ये एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें पहले आपको बता दें बच्चों कि इसमें ज्यादातर जर्नल्स uh, जर्नल एंट्रीज पास की जाएगी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा जर्नल एंट्री के जरिए ही रिकॉर्ड किया जाएगा सो so, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्या है ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज Uh, आपको हम डायरेक्ट मीनिंग पे लेके जाना नहीं चाहते हैं आपको एक रफ आइडिया देना चाहते हैं कि ऑल दो आपने हमारा ये प्रोमो वीडियो में एक इंट्रो uh, वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने एक शॉर्ट uh, ये बनाया है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का इंट्रोडक्शन है बट स्टिल दिस इज़ द न्यू क्लास एंड आई नई वॉन्ट टू बिगिन फ्रॉम द बिगनिंग राइट मैं शुरू से शुरुआत करना चाहता हूँ सो so, क्या है ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज अगर आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मीनिंग देखोगे राइट आई एम जस्ट एक आपको जस्ट मीनिंग बता रहे बट इस मीनिंग पे हम लोग एक अच्छी डिस्कशन करेंगे और मैं आपको इस मीनिंग का हर वर्ड को प्रूफ करूंगा रिलेट करूंगा आपको कि किस तरह से राइट ये अप्लाई हो रहा है सो अ रिटर्न ऑर्डर टू अ पर्सन रिक्वायरिंग देम रिक्वायरिंग देम टू मेक अ स्पेसिफिक पेमेंट

अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे और बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है उसकी कॉन्सेप्ट को हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे सो लेट्स स्टार्ट विथ बिल्स ऑफ एक्सचेंज विथ अ शॉर्ट स्टोरी सो द स्टोरी इज ऑफ यहां पे दो बंदे हैं आप देख सकते हैं और इस इमेज से आपको क्लियरली अगर दिस इज अ सेलर आप सेलर बोल लो और आप सप्लायर बोलो एंड दिस पर्सन इज बायर राइट सो लेट्स नेम लेट्स नेम दिस टू पर्सन राइट लेट्स नेम दिस टू पर्सन एंड आई वुड लाइक टू नेम दिस सलमान एंड लेट्स नेम देम आमिर So, यहां पे एक सलमान है और एक आमिर है सलमान इज अ सेलर ऑफ गुड्स एंड आमिर इज द बायर नाउ यहां पे जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं सलमान और आमिर के बीच में वी नीड टू टेक अ नोट हियर ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो रहा है दिस इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोले तो ये जो गुड्स बेच रहा है सलमान ये आमिर को वो क्रेडिट सेल्स कर रहा है और बच्चों याद रखना exchange, बिल ऑफ एक्सचेंज बिल्स का जन्म तभी होगा बिल का एग्जिस्टेंस तभी होगा जब क्रेडिट सेल्स होगा जब क्रेडिट में ट्रांजैक्शन होगा ऐसा क्यों आपको भी थोड़ा देर में आपको खुद बे खुद क्लियर हो जाएगा सो so याद रखना जहां पे कैश ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं कैश सेल्स हो रहे हैं कैश परचेजेस हो रहे हैं वहां पे बिल ऑफ एक्सचेंज का कोई रोल नहीं है राइट right? ये बिल ऑफ एक्सचेंज टर्म है बच्चों में आपको ये टर्म अभी समझाने वाला ये टर्म कैसे आया आपको समझ में आएगा बढ़िया से सो बिल ऑफ एक्सचेंज एक चीज याद रखना क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्रेडिट सेल्स के समय में इसका जन्म होगा सो so, यहां पे सलमान ने अमीर को क्रेडिट में उधार में गुड्स बेचा है कुछ गुड्स बेचे हैं राइट right? अब क्या है कि सलमान और अमीर बहुत ही परिचित है आपस में और दोस्त भी है तो सलमान सा, ने क्रेडिट दिया है एक क्रेडिट पीरियड दिया है अमीर को और अमीर को बोला कि आमिर मैं आपको ये गुड्स बेच रहा हूँ और आप इसकी पेमेंट आप मेरे को पंद्रह दिनों के बाद करिए फिफ्टीन डेज में आप मेरे को ये पेमेंट करिए आई एम गिविंग यू अ पीरियड ऑफ फिफ्टीन डेज टू मेक द पेमेंट फॉर दिस गुड्स राइट सो ये ये आपको पता होगा कि किसी भी बिजनेस में किसी भी बिजनेस में दो तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं कैश ट्रांजेक्शन होते हैं और क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है नगद और उधार मतलब जिस ट्रांजेक्शन का पेमेंट देन एंड देर रिसीव हो रहा है या पे हो रहा है और जिस ट्रांजेक्शन का पेमेंट फ्यूचर में रिसीव होगा यो फ्यूचर में पे होगा राइट सो देर क्रेडिट ट्रांजेक्शन उधार के ट्रांजेक्शन और नगद ट्रांजेक्शन होते हैं ये आपको ये चीज आपको पता है राइट? Right, अब कैश जब होते हैं ना तो उसमें किसी रिस्क ऑफ बैड डिप्ट क्योंकि जब हम क्रेडिट में बेचते हैं उधार में बेचते हैं सामान सो अ पॉसिबिलिटी कि मैंने जितना रुपया का सामान उधार में बेचा है एग्जैक्टली exactly उतना पैसा वापस आएगा कि नहीं आएगा क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस से ये पता रहता है कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं ऐसा देखा गया है कि मेरा जितना डेटर्स था मैंने जितने रुपये के समान उधार में बेचा शायद उतना पैसा नहीं आता कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो कुछ पैसा डूबता ही डूबता है एंड दैट्स वाई देस आर बैड डिप्स राइट right. इसलिए तो बैड डेप्स का जन्म हुआ जो डेब्स हम लोग सप्लायर या सेलर रिकवर नहीं कर पाते हैं सो फॉर कैश देशन में इज नो रिस्क बिकॉज देन एंड कैश पेमेंट हो रहा है सो so, बैड तो सवाल ही नहीं उठता है लेकिन बच्चों प्रॉब्लम कहां पे होता है प्रॉब्लम होता है जब हम लोग क्रेडिट सेल्स करते हैं जैसे यहां पे सलमान ने अमीर को क्रेडिट सेल्स किया तो जब क्रेडिट सेल्स किया तो सलमान ने अमीर को फिफ्टीन डेज का यहां पे टाइम दिया हुआ है कि पंद्रह दिन के आ, अंदर या पंद्रह दिन के बाद आप मेरे को पेमेंट कर दीजिएगा राइट सो देर इज रिस्क इन्वॉल्व क्रेडिट ट्रांजेक्शन डन मैंने जो सामान बेचा है उसका हंड्रेड परसेंट पेमेंट हम कलेक्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे राइट right? सो so ये इन्वॉल्व होता है ये इट्स अ वेरी सिंपल लॉजिक इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट एंड वी ऑल नो दैट सो देरफोर अब देखो क्या होता है यहां पे सलमान ने आमिर को गुड्स बेचा है राइट सो सलमान ने आमिर को गुड्स सोल्ड किया राइट right? और वो कैसे सोल्ड किया क्रेडिट में अब सलमान तो आमिर को गुड्स दे रहा है लेकिन आमिर सलमान को क्या देगा क्या वो उसको कैश मनी देगा नो no. ये चीज नहीं देने वाला आमिर क्यों नहीं देने वाला बच्चों क्योंकि सिंपल सर आपने तो खुद कहा कि यहां पे सलमान आमिर को क्रेडिट सेल्स कर रहा है और 15 डेज का टाइम दिया गया है पेमेंट करने के लिए 15 डेज का राइट सो देरफोर अब आमिर वो सामान ले लिया है तो सलमान बोलता है कि भाई आमिर तू मैंने तो तेरे को पैसा तो दे सामान तो दे दिया आज और मैंने तेरे को पैसा देने के लिए समय भी दिया है फिफ्टीन डेज का टाइम मैंने आपको दिया पेमेंट करने के लिए आमिर बोलता ठीक है भाई सलमान मैं तेरे को पंद्रह दिनों के अंदर में पंद्रह दिन में आपको पैसा देता हूं बट सलमान बोलता है उसको कि भाई आमिर आज मैं तेरे को गुड्स दे रहा हूं क्या आज तू गुड्स के बदले में आज क्या गुड्स के बदले में तू मेरे को कुछ दे नहीं सकता है आमिर बोलता है क्या दू मैं तेरे को मैं तेरे को गुड्स के बदले में क्या दे सकता हूं पैसा ही दे सकता हूं और वो पैसा तो मैं तेरे को पंद्रह दिनों के बाद दूंगा क्योंकि तूने मेरे को पंद्रह दिन का समय दिया है राइट सो व्हाट विल यू गिव मी विल आई गिव यू क्या दे भाई हमको बोल हम तेरे को क्या दे तो अमीर बोलता है सलमान बोलता है अमीर को अमीर भाई आप गुड्स लेके जा रहे हो गुड्स के बदले में कुछ तो दे दो पैसा तो आज नहीं दे रहे हो कुछ तो दे दो वो कुछ का मतलब हुआ कम से कम इतना तो बोल दो मन में बहुत तसल्ली मेरी मिलेगी मेरे को इतना तो बोल दो कि सलमान मैं तेरे को पंद्रह दिनों में पैसा दूंगा वचन तो देकर जाओ कम से कम हमको अच्छा लगेगा होता है ना बच्चों हम लोग अपने फ्रेंड सर्कल में हम लोग किसी को पैसा देते हैं क्रेडिट में सामान देते हैं पैसा देते हैं हम तो लोग उसको बोलते भाई पैसा दे देगा तो तू दे देगा तो दस दिनों बाद पैसा एक सप्ताह में तू पैसा दे देगा तो हम लोग उससे वो कमिटमेंट करवाते हो बोलता है आपके फ्रेंड बोलता है हाँ रे भाई मैं तेरे को पैसा दे दूंगा ये मेरा प्रॉमिस है ये मेरा पक्का प्रॉमिस है गॉड प्रॉमिस है मदर प्रॉमिस है मैं तेरे को पक्का दूंगा फ्रेंडशिप का कसम खा के बोलता हूँ एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रोमिस ही मेक्स एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ कमिटमेंट्स एंड कसम ही टेक्स राइट जस्ट टू मेक यू कंफर्टेबल एंड टू मेक यू श्योर दैट ही इज गोइंग टू गिव यू मनी बैक इन दैट स्पेसिफाइड टाइप सो उसी तरह यहां पे सलमान भी आमिर को बोलता है कि आमिर आज मैं तेरे को गुड्स दे रहा हूं राइट आज मैं तेरे को गुड्स दे रहा हूं लेकिन तू उसके बदले में मेरे को पैसा तो नहीं दे रहा है चलो पैसा तो नहीं दे रहा पैसा मत दो अभी पंद्रह दिन बाद दो लेकिन कुछ तो दो मेरे को कुछ तो दो मेरे को भाई तो आमिर बोलता है क्या दो भाई तेरे को सलमान बोलता है प्रॉमिस दे मेरे को वचन दे मेरे को कि तू मेरे को पैसा देगा आमिर बोलता है ठीक है भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है जा मैंने तेरे को वचन दिया मैंने तेरे को प्रॉमिस किया कि हाँ हम तेरे को सब पैसा देंगे वापस सलमान बोलता ना ना भाई ऐसे नहीं चलेगा मैं आपका मुंह की बोली को विश्वास नहीं करने वाला तू बोल रहा है तू बोल रहा है कि देगा चले काम कर एक काम कर तू लिख कर दे मेरे को तू लिख कर दे ताकि मेरे पास एक एविडेंस रहे ताकि मेरे पास एक प्रूफ रहे लिख कर दे मेरे को कि तू मेरे को पंद्रह दिन के बाद पैसा देगा पंद्रह दिनों में इतना पैसा देगा ये मेरे पास एक एविडेंस रहेगा ये मेरे पास एक प्रूफ रहेगा अमीर बोलता, फाइन, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम लाओ कागज हम लिख देते हैं सलमान बोलता है नहीं भाई तू मत लिख लिख मैं रहा हूं बट जो भी मैं लिखू उसे पढ़ना और उसे पढ़ के एक्सेप्ट कर लेना जो भी मैं लिखू उसे पढ़ना और पढ़कर एक्सेप्ट कर लेना मेरे भाई एक्सेप्ट कर लेना मेरे भाई राइट सो सलमान क्या करता है सलमान एक बिल बनाता है एक बिल बनाता है राइट right? और उस बिल पे जस्ट आपको एक छोटा सा एक एग्जाम्पल दे रहे क्या होगा तो सलमान हुआ लिखता है टू जिसके नाम पे बिल बना रहा है टू मिस्टर आमिर यू आर रिक्वायर्ड टू पे सच एंड सच अमाउंट ऑन सच एंड सच डेट और यहां पे सलमान अपना सिग्नेचर पास करता है और ये बिल वो देता है आमिर को मतलब बायर को सो so देर फोर यू कैन से दैट सलमान इज एक्चुअली गिविंग एन ऑर्डर टू आमिर वो ऑर्डर दे रहा आमिर को कि तू पैसा देगा पंद्रह दिन के बाद आज फॉर एग्जाम्पल अगर फर्स्ट अगस्त है तो पंद्रह दिन बाद सोलह अगस्त मान लेते हैं पंद्रह दिन कैलकुलेट करके डेट रहेगा इस दिन को तू पैसा देगा राइट और ये बिल इसको दिया जाता है ये क्या करता है इस बिल को एक्सेप्ट कर देता है क्या करता है ये एक्सेप्ट करता है इस बिल को कैसे एक्सेप्ट करता है अपना स्टैंप मारेगा अपना सिग्नेचर करेगा समझ में आ रहा है स्टैंप साइन जो भी बोल लो वो साइन कर लेता है और जैसे वो साइन करता है जैसे उस बिल में वो अपने एक्सेप्टेंस देता है ये बिल एक कागज का टुकड़ा नहीं रह जाता है बल्कि एक बहुत ही बड़ा ये एविडेंस एक डॉक्यूमेंट हो जाता है ये एविडेंस हो जाता है कि सलमान और अमीर के बीच में क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ है देखिए बच्चों मैंने जहां से शुरुआत किया था मैं वापस आना चाहता हूं वहां पे मैंने आपको कहा था कि कैश ट्रांजैक्शन में कोई रिस्क नहीं होता लेकिन क्रेडिट ट्रांजैक्शन में बच्चों रिस्क होता है किस चीज की रिस्क होता है पैसा डूबने का रिस्क होता है अब अगर एक सप्लायर एक सेलर इस चीज से डर जाए कि मैं अगर उधार में बेचूंगा तो मेरा पैसा डूब सकता है तो वो उधार में बेचना बंद कर देगा या उधार में बेचना कम कर देगा अगर वो क्रेडिट में सेल्स करना कम कर देगा या क्रेडिट सेल्स बंद कर देगा तो इसका असर उसका टोटल रेवेन्यू पे पड़ने वाला है क्योंकि सेल्स माने रेवेन्यू अगर सेल्स कम होगा तो रेवेन्यू भी कम होगी रेवेन्यू कम होगी तो प्रॉफिट भी कम होंगे यानी कि सिर्फ इस बात का डर से कि मेरा पैसा डूब सकता है वो क्रेडिट सेल्स को बंद कर देता है या कम कर देता है जिसका सीधा असर उसके प्रॉफिट पे पड़ता है सो ऐसा कुछ उपाय निकाला जाए जिससे हम अपना क्रेडिट सेल्स भी करें बट वो क्रेडिट सेल्स करने के लिए जो मन में डर है इस डर को हटाने के लिए कुछ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो इस डर को हटाने के लिए कुछ ऐसा टूल हो जिससे हम भी निश्चिंत हो जाए सेलर भी निश्चिंत हो क्योंकि डर तो सेलर को बायर को नहीं है ताकि सेलर निश्चिंत होकर सिक्योर होकर के हो क्रेडिट सेल्स करे और इसी का इसी डर को हटाने के लिए इसी डर को हटाने का लिए जो टूल बनाया गया जो इंस्ट्रूमेंट बनाया गया जो तरकीब निकाला गया उस तरकीब का परिणाम है उस तरकीब का रिजल्ट है बच्चों ये बिल जो हम आपको ये चैप्टर आपको पढ़ा रहे हैं so, देखिए चीज बहुत ही सिंपल है आज एक सेलर गुड्स बेचता है आज एक सेलर गुड्स बेचता है यहां पे सलमान ने गुड्स बेचा आमिर को सो so, यहां पे बायर था आमिर और सलमान था सेलर सलमान आमिर को पंद्रह दिन का टाइम देता है पैसा वापस करने के लिए पैसा देने के लिए लेकिन जिस दिन गुड्स वो बेचता है वो एक चीज एंश्योर करता है कि सलमान और अमीर के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ है आमिर जो पंद्रह दिन के बाद जो पैसा देगा उस पैसा का उस ट्रांजैक्शन का एक डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए एक एविडेंस होना चाहिए एक प्रूफ होना चाहिए कि कल को अगर आमिर अपने वचन से अपने बातों से मुकर जाए या अगर वो पेमेंट देने से मुकर जाए तो सलमान मतलब सेलर एक लीगल एक्शन भी ले सकता है राइट? Right? और क्योंकि सेलर के पास एक बहुत ही बड़ा प्रूफ रहता है यह तो इसीलिए यहां पे देखिए क्या हुआ सलमान ने सिंपल बोला मेरे को कि तू गुड्स लेके जा पंद्रह दिन पैसा दे लेकिन आज तेरे को एक काम करना पड़ेगा आज तेरे को एक काम करना पड़ेगा हम तेरे को गुड्स बेच रहे हैं उसका एक्सचेंज में सो देखिए सलमान ने क्या दिया सलमान ने आमिर को दिया गुड्स और आमिर ने सलमान को क्या दिया एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस बच्चों एक्सेप्टेंस सर यस एक्सेप्टेंस ऑन ऑर्डर ऑर्डर जो बिल बनाया गया किसके द्वारा बिल बनाया गया याद रखना बच्चों बिल खरीदने वाला कभी नहीं बनाता है बिल सामान बेचने वाला बनाता है ऑर्डर कौन देगा खरीदने वाला ऑर्डर देगा कि बेचने वाला ऑर्डर देगा बेचने वाला ऑर्डर देगा सेलर ऑर्डर देगा बायर को कि यू विल पे, पे मी सच एंड सच अमाउंट ऑन सच एंड सच डेट वो ऑर्डर है उस ऑर्डर को हम लोग बिल बोलते हैं और इस बिल पे जब तक अमीर अपना एक्सेप्टेंस नहीं देता है इस बिल की वैल्यू नहीं रहेगी याद रखना क्यों सर आज हम यहां पे बैठे बैठे तुम लोगों के ऊपर में बिल बना सकते हैं राहुल के ऊपर में बिल बना सकते हैं कि राहुल यू आर रिक्वायर्ड टू पे मी वन करोड़ रुपीज ऑन फिफ्टीन डेज आई कैन ड्रॉ बट ऐसे तो हम हम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर में बैठ के यहां पे बिल बना देंगे कि मिस्टर नरेंद्र मोदी इज यूर रिक्वायर्ड टू पे मी वन करोड़ रुपीज ऑन सच एंड सच डेट बट इज दैट बिल ऑफ एनी वर्थ उसका कोई वैल्यू नहीं है जब तक मिस्टर नरेंद्र मोदी उस बिल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे सो so, मेरे ऑर्डर को वो एक्सेप्ट करते हैं तो अगर मैं राहुल को बोलता हूं कि राहुल तेरे को एक करोड़ रुपया मेरे को देना मैंने बिल बना दिया मैं तो बैठे बैठे यहां पर जॉर्ज बुश के ऊपर मैं बिल बना सकता हूं मैं सचिन तेंदुलकर ऊपर बिल बना सकता हूं लेकिन वो बिल का कोई वैल्यू नहीं होगा कि जब तक ना वो बंदा मेरे बिल को एक्सेप्ट करता है क्योंकि जैसे वो मेरे बिल को एक्सेप्ट करता है यानी कि मेरे को वो प्रॉमिस कर रहा है ये हो गया रिटर्न प्रॉमिस क्योंकि मैंने उसे क्या दिया था ऑर्डर दिया था कि मिस्टर अमीर यू आर रिक्वायर्ड टू पे मी मतलब ने किया। उसका, 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 उसका रजामंदी है उसका वो स्टैंप उसका वो प्रोमिस है जो वो कर रहा है सलमान के साथ कि हाँ मैं तेरे को पंद्रह दिन के बाद इतना रुपया दूंगा सो बच्चो आम सलमान ने बेचा दिया गुड्स आमिर को और उसके बदले में आमिर ने क्या किया सलमान के द्वारा बनाया हुआ बिल को एक्सेप्ट किया सो इन एक्सचेंज ऑफ़ गुड्स इन एक्सचेंज ऑफ़ गुड्स आमिर इज एक्सेप्टिंग द बिल व्हिच इज़ ड्रॉन बाय सलमान आई रिपीट माय सेल्फ इन एक्सचेंज ऑफ़ गुड्स आमिर � is uh, accepting the bill which was drawn by Salman. So therefore, that this bill got a name of bill of exchange. क्योंकि हम आपको goods दे रहे हैं उसके exchange में उसके exchange में आप मेरे बनाए हुए order को मेरे बनाए हुए bill को आप accept करोगे. right? so, याद रखना कि drawers सॉरी याद रखना यहां पे जो सेलर होता है यहाँ पे सेलर सलमान है वो बिल बनाया है लेकिन लेकिन बिल का वैल्यू उस बिल की अहमियत होगी जब जिसके ऊपर बिल बनाया गया है आमिर के ऊपर में बिल बनाया गया है तो आमिर उस बिल को एक्सेप्ट करे अदरवाइज मेरे ऊपर में भी कोई भी बिल बना सकता है बट वो बिल का कोई वैल्यू नहीं होगा जब तक मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता So, ये समझ में आया दिस इज द होल सी सलमान इज ना उसको पता है अगर अमिर नहीं दिया पैसा तो मेरे पास एक एविडेंस है आई कैन यूज दिन एविडेंस इन कोर्ट ऑफ लॉ इस कोर्ट में भी हम आपको जब कानूनी कार्रवाई अगर करते हैं तो ये एज एन एविडेंस यूज होगा

कौन था सलमान बच्चों सलमान था सेलर यानी कि सेलर ऑर्डर देता है टू अ परसेंट रिक्वायरिंग टू मेक अ पेमेंट किसके ऊपर में बिल बनता है जनरली बायर के ऊपर में बिल बनता है बच्चों जनरली बायर के ऊपर में जो सामान खरीद रहा है उसके ऊपर में बिल बनता है राइट right? या जिसके जिसको ऑर्डर दिया जा रहा है टू मेक अ स्पेसिफाइड पेमेंट क्या करना पेमेंट करने के लिए किसे करना जिसने बिल बनाया है उसे या जो बिल बना रहा है अगर वो किसी और को कह रहा करने के लिए फॉर एक एग्जाम्पल हम बताते हैं आपको सलमान ने बिल बनाया आमिर के ऊपर लेकिन सलमान ने आमिर को कहा कि तू मेरे को पैसा मत दे देना तू शाहरुख को पैसा दे देना राइट right? सो so, दो सिचुएशन हो सकता है सलमान आमिर को बोलेगा सलमान आमिर को बोलेगा कि तू पैसा मेरे को देना एक सिचुएशन और दूसरा हो सकता है वो किसी और के नाम पे बना सकता है वो किसी और के नाम पे या किसी और के फेवर में बोल सकता है पैसा पेमेंट करने के लिए और वो शाहरुख हो सकता है सो फॉर एग्जांपल हम बता रहे हैं कि सलमान ने अमीर के ऊपर में बिल बनाया अब सलमान जब अमीर के ऊपर में बिल बनाया तो सलमान अमीर को इंस्ट्रक्शन दे सकता है ऑर्डर दे सकता है कि पैसा या तो अमीर को ही मिलना चाहिए सॉरी सलमान को ही मिलना चाहिए या या सलमान बोल सकता है आमिर को कि तू इस बिल का पैसा शाहरुख को देना सो दिस इज वॉट इज थिंग टू द स्पेसिफाइड पेमेंट टू द सिग्नेटरी मतलब जिसने जो बिल बिल बनाया है और टू द अगर उस बिल में किसी का नाम लिखा हुआ है कि इस बिल का पेमेंट उसे करना है तो फिर उस बंदा को पेमेंट हो जाएगा राइट right. सो so अब आप देखिए यहां पे एक फॉर्मेट है बिल्स ऑफ एक्सचेंज अमाउंट टू लैक प्लेस डेट सिक्सटी डेज आफ्टर डेट पे मिस्टर एबीसी a sum of rupees टू lakh for the value received. Accepted, signed. देखो यहाँ पे ड्रॉ इज साइन ड्रॉवर्स ड्रॉ इज एड्रेस ड्रॉवर साइन ड्रॉवर्स एड्रेस देखो दो बंदा का साइन है यहाँ पे ड्रॉवर और ड्रॉई ड्रॉवर और ड्रॉई अब हम आपको बताते हैं बच्चों ये ड्रॉवर कौन होता है ये ड्रॉवर वही बंदा है जो बिल बना रहा है जो बिल को ड्रॉ कर रहा है मतलब सलमान जो बिल बना रहा है सेलर सेलर बनाता है बिल सो वो है ड्रॉवर और कौन है ड्रॉई ड्रॉई मतलब जिसके ऊपर में बिल बनाया जाता है जिसको ऑर्डर दिया जा रहा है कि तू पैसा देगा जिसको ऑर्डर दिया जा रहा है सो जिसको ऑर्डर दिया जा रहा है जिसको ऑर्डर दिया जा रहा है राइट उसे हम लोग ड्रॉई कहते हैं याद रखना सो देर फोर <coughs> so therefore, इसने बिल बनाया तो यह हैसेप्ट किया जिसके ऊपर में बिल बना यह है ड्रॉइ सो दे दो पार्टी तो इन्वॉल्व होगा ही होगा एक ड्रावर और एक ड्रॉइ सो so, जल्दी से अभी तक हमने जो डिस्कशन किया उसे समप करते हैं जल्दी से उसे समप करते हैं क्या है बिल्स ऑफ एक्सचेंज पूरा माजरा क्या है बिल्स ऑफ का? माजरा कुछ इस तरह है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो रहा है सेलर और बायर के बीच में एक सेलर जब गुड्स बेचता है क्रेडिट में तो वहां पे एक रिस्क इन्वॉल्व होता है रिस्क इन्वॉल्व होता है रिकवरी का पैसा रिकवरी का रिस्क इन्वॉल्व होता है पैसा पूरा भी मिल सकता है या कभी कभी सिचुएशन देखा जाता है कि पैसा कुछ डूब भी जाएगा बैड डेप हो सकता है कुछ पैसा आप रिकवर नहीं कर पाओगे सो so, इस रिस्क से अपने आप को बचाने के लिए कुछ ऐसा उपाय निकालना था राइट right? जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे मतलब मतलब कि मैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन करना रुकू ना मैं क्रेडिट सेल्स करते रहूं और एट द सेम टाइम पैसा डूबने का रिस्क को भी कम करो। तो होता क्या है जिस दिन सेलर गुड्स बेचता है राइट? वो क्रेडिट में सामान बेचता है बायर बायर को। वो के ऊपर में एक ऑर्डर बनाता है, एक उसको ऑर्डर देता है राइट एक रिटर्न ऑर्डर देता है जहां वो उसे इंस्ट्रक्शन देता है कि उसे पैसा पे करना है इस इस तारीख को इस डेट को पैसा पे करना है राइट ये ड्रॉवर ऑर्डर देता है ड्रॉई को क्योंकि जो सामान बेचता है ऑर्डर वो देगा पैसा लेने के लिए जो सामान खरीद रहा है वो ऑर्डर नहीं देता है सो so, ऑर्डर कौन देगा मेरे बच्चों ऑर्डर देता है जो सामान बेचता है वो ऑर्डर दे रहा है कि आप किसको दे रहा है ड्रॉई को दे रहा है मतलब बायर को दे रहा है कि उसे इतना अतना पैसा देना है वो बायर क्या करता है उसके ऑर्डर को एक्सेप्ट करता है उसके ऑर्डर को एक्सेप्ट किसके ऑर्डर को सेलर के ऑर्डर को सेलर ने जो ऑर्डर दिया उस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेता है ठीक है एक एविडेंस हो जाता है कि आ, बायर को बायर ने उससे सामान खरीदा है सेलर से और बायर को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी सर्टेन डेट के बाद देना पड़ेगा राइट right? इसी ऑर्डर को इसी रिटेन ऑर्डर को हम लोग बिल के नाम से जानते हैं इसी रिटेन ऑर्डर को हम लोग बिल के नाम से जानते हैं जैसे सब बिल ठीक है ना वाई बिल अब बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब क्या हुआ अब क्या होता है कि जब हम लोग सामान बेचते हैं उधार में जब हम लोग सामान बेचते हैं उधार में तो आ, हम लोग क्या करते हैं उसके ऊपर बिल तो बना दिए लेकिन हम लोग उसको गुड्स तो देते हैं उसके बदले में सेलर गुड्स तो बेच रहा है उसके बदले में क्या लेता है बायर से उसके बदले में वो उससे एक्सेप्टेंस लेता है किस पे उसके बनाए गए ऑर्डर पे सो so सेलर ने जो ऑर्डर बनाया था रिटर्न ऑर्डर किया था उस पर उसका एक्सेप्टेंस लेता है सो इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज द बायर टू एक्सेप्ट द बिल विच हैज बीन ड्रॉन बाय द सेलर राइट और जैसे वो उस बिल को एक्सेप्ट कर लेता है वो बिल एक वैल्यूबल डॉक्यूमेंट बन जाता है और ये हो जाता है पूरा बिल ऑफ एक्सचेंज ये बिल किसके पास रहता है ये बिल ड्रॉवर अपने पास रखेगा कॉमन सेंस से बच्चे ड्रॉई बिल ड्रॉई उस ओरिजिनल कॉपी ड्रॉई के पास कभी नहीं रहेगा हाँ जेरोक्स वगैरह वो रख सकता है अपने पास एक स्कैंड कॉपी रख सकता है लेकिन ऑरिजनल कॉपी हमेशा ड्रॉवर के पास रहेगा अगर ड्रॉवर बिल बना करके ड्रॉई को दे दिया तो अब तो ड्रॉ ही पाँच दिन बाद जाकर बिल को फाड़ देकर बोलेगा कोई ट्रांजेक्शन तो वो ही नहीं था हमारे बीच में तो वो पूरा जिस कारण से हमने ये बिल बनाया था वो कारण ही खत्म हो गया सो देो ड्रॉवर बिल बनाता है याद रखना सो so तीन पार्टी यहां पे इन्वॉल्व होगा एक सप्लायर एक सप्लायर सप्लायर को क्या बोलते हैं हम लोग ड्रॉवर ड्रॉवर मतलब जो बिल बनाता है सो तो सप्लायर क्या दे रहा है बच्चों? सप्लायर दे रहा है गुड्स दे रहा है सर्विसेस किसे दे रहा है कस्टमर को दे रहा है कस्टमर क्या हो गया बच्चों ड्रॉई हो गया राइट सो एक चीज याद रखना ड्रॉवर इसके ऊपर में बिल बनाएगा राइट right? और ये इसका बिल को एक्सेप्ट करेगा राइट right? समझ में आया ये इसका बिल को एक्सेप्ट करेगा सो so, देखिए यहाँ पे आप सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज सो ड्रॉवर सप्लाई गुड्स ऑफ सर्विसेज एंड देन इश्यूज अ बिल जिसपे ये क्या करता है एक्सेप्ट करता है सो so, ड्रॉवर और ड्रॉई और नेक्स्ट हो जाता है पेई पेई वो बंदा है जो पैसा को कलेक्ट करता है विच कलेक्ट्स द पेमेंट और जनरली यहाँ पे क्या होता है बैंक होता है किसका बैंक ड्रॉवर का बैंक सो so, ड्रॉवर क्या करता है अपना बैंक को इंस्ट्रक्शन दे देता है कि ये बिल है इस बिल का पैसा अब फलाने कस्टमर से कलेक्ट कर लेना सो so, जब वो ड्यू डेट आता है तो कस्टमर क्या करता है जब पेमेंट करता है जो ड्रॉई जो पेमेंट करता है वो पेमेंट ड्रॉवर के हाथों में नहीं करता है बल्कि वो के बैंक अकाउंट में क्या कर देता है? कर देता देता है, so, है। डिपॉजिट याद रखना होता और एक होता है पेई जो जिसके में पैसा जाता है uh, example, आप हमसे पूछ सकते कि क्या सर बैंक होना जरूरी है अगर बैंक नहीं रहेगा तो जो बिल बनाया है ड्रॉवर तो मनी भी तो उसी को मिलेगा तो क्या ड्रॉवर सकता है? हां अगर ड्रॉवर को ही पैसा मिल रहा है ड्रॉवर बैंक में पैसा नहीं दे रहा वो बैंक के थ्रू पैसा कलेक्ट नहीं करना चाह रहा है ड्रॉवर खुद ड्राई से पैसा ले रहा है द सप्लायर खुद उस बिल का पैसा ले रहा है पंद्रह दिनों के बाद सलमान खुद अमीर से पैसा कलेक्ट कर रहा है तो सलमान ही ड्रॉवर है और सलमान ही पेई है लेकिन अगर सलमान उस बिल को अपना बैंक में भेज देता है और सलमान के बिहाफ में उसका बैंक पैसा कलेक्ट करता है so सलमान का जो बैंक है वो हो जाता है पेई सलमान का बैंकर हो जाता है पेई जो अल्टीमेटली जिसके ड्यू डेट के दिन जिसके हाथों में बिल है ड्यू डेट के दिन जिसको पैसा मिल रहा है ड्यू डेट मतलब जिस दिन बिल का वैलिडिटी खत्म जितना दिन का समय दिया गया था उतना दिनों का समय उतना दिन का समय जब खत्म होता है तो जिस दिन खत्म होता है उस दिन हम लोग बोलते हैं ड्यू डेट आप एक अगस्त से पढ़ना शुरू किए आपका फीस एक सितंबर को एक महीना बाद लगेगा तो जैसे एक सेप्टेम्बर आया वो हो गया आपका फीस का ड्यू डेट जिस दिन तारीख लग गई है सो तीन पार्टी जनरली इन्वॉल्व होगा ड्रॉवर इन्वॉल्व होगा ड्रॉ इन्वॉल्व होगा पे इन्वॉल्व होगा ड्रॉवर कौन होता है ड्रॉवर वो होता है जो बिल बनाता है ड्रॉई वो होता है जिसके ऊपर में बिल बनता है जिसको ऑर्डर दिया जाता है मतलब कस्टमर और पेई वो होता है जो ड्यू डेट के दिन जिसके हाथों में बिल है जिसे पैसा मिल रहा है सो so, जिसे अगर जैसे एग्जांपल मैंने आपको कहा था कि सलमान ने आमिर के ऊपर बिल बनाया, लेकिन वो आमिर को बोला कि पैसा शाहरुख को पे कर देना सो पैसा किसको मिलेगा मनी किसको करेगा? को आमिर पे करेगा, करेगा शाहरुख को सो इन दैट केस शाहरुख बन जाता है पेई सो so पेई वो हो गया जो अल्टीमेटली पेमेंट को कलेक्ट करेगा जिसके हाथों में पैसा आएगा सो so ये है बच्चों टोटल बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कहानी आई होप कि आपको ये आपको समझ में आया हो राइट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम लोग ये समझना जरूरी है कि एक प्रोमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बीच में क्या डिफरेंस होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज अ काइंड ऑफ अ प्रोमिसरी नोट बट इट इज नॉट ए प्रोमिसरी प्रोमिसरी नोट इज अ डिफरेंट समथिंग डिफरेंट फ्रॉम बिल्स ऑफ एक्सचेंज लोग इसे कंफ्यूज कर जाते हैं स्टूडेंट भी इसे कंफ्यूज कर जाते हैं और स्टूडेंट को लगता है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक प्रोमिसरी नोट है यस yes, आप बोल सकते हैं बट बट प्रमिसरी नोट अलग होता है और बिल्स ऑफ एक्सचेंज अलग होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज को भी बोला जाता है इट इट्स अ काइंड ऑफ प्रोमिसरी नोट वाई बिकॉज दी ड्रॉई जिसके ऊपर में बिल बनाया जाता है जब वो बिल को एक्सेप्ट करता है तो वो प्रॉमिस करता है मैंने आपको कहा था कि सलमान ने कहा था आमिर को आमिर तू सामान तो लेकर जा रहा आज कुछ तो बोल वचन तो दे के जा मेरे को प्रॉमिस तो करके जा सलमान क्या करता है आमिर के ऊपर में एक बिल बनाता है उस बिल को जब आमिर एक्सेप्ट करता है तो आमिर एक्चुअली क्या कर रहा है प्रॉमिस कर रहा है इसलिए हम लोग बोलते हैं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज को भी हम लोग एज एक्सरी नोट भी बोल सकते हैं लेकिन प्रोमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में डिफरेंस है उस डिफरेंस को हम लोग देखेंगे देखिए, पहले पढ़ा जाए। प्रोमिसरी नोट क्या है अ प्रोमिसरी नोट इज अड इंस, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रिटर्न बाय अ बोरोवर हु टू पे द लैंडर स्पेसिफिक सम ऑन डिमांड और ऑन अ पर्टिकुलर फ्यूचर डेट विच इज प्रीडिफाइंड बिल ऑफ एक्सचेंज ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो हम लोग समझिए क्या है अभी प्रोमिसरी नोट समझिए क्या देखिए ध्यान से समझिए दोनों का बीच में डिफरेंस देखिए यहां पर सलमान और आमिर था सलमान ने आमिर को क्रेडिट सेल्स किया गुड्स दिया आमिर ने सलमान को एक्सेप्टेंस दिया बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे सलमान ने जो बिल बनाया था बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रावर बनाता है कौन होता है ये ड्रॉवर ड्रॉवर वो होता है जो गुड्स सप्लाई किया है मतलब इट इज एन ऑर्डर ही इज इंस्ट्रक्टिंग सलमान इज गिविंग एन ऑर्डर टू अमीर टू पे अ सर्टेन अमाउंट ये अभी हम लोग जस्ट देखे बट वॉट इज प्रोमिसरी नोट से फॉर एग्जाम्पल सलमान लेंड्स फाइव थाउजेंड रुपीज टू आमिर राइट यानी कि हम लोग बोल सकते हैं आमिर बोरोज रुपीज फाइव थाउजेंड फ्रॉम सलमान राइट अब यहां पे आमिर विल ड्रॉ ए प्रोमिसरी नोट मतलब ध्यान से समझिए बताते हैं अभी आपको अच्छा तरह से आपको अभी आज समझ में आ जाएगा कि आ, क्या डिफरेंस है अब देखिए यहां पे आमिर इज द बॉर्वर

यहां पे बिल ड्रॉ करने वाला पैसा देने वाला नहीं बल्कि जो पैसा लिया है जिसने पैसा बोरो किया बिल वो बना रहा है बिल नहीं अब प्रोमिसरी नोट अ नोट बना के दे रहा है सो so, अब प्रोमिसरी नोट देखिए नाम से बच प्रॉमिस प्रोमिस मतलब वचन आप किसी को वचन दे रहे हैं आप किसी को प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप उसे पैसा दीजिएगा आप किसी को प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप उसे पैसा दीजिएगा वापस करिएगा बिल ऑफ एक्सचेंज में बिल वो बनाता है जो सामान बेचता है मतलब बेसिकली जो लेंडर होता है वो वो देता है पैसा, वो वो बनाता है बिल uh, ड्रॉई जो होता है वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है लेकिन प्रॉमिसरी नोट में प्रोमिस नोट अ नोट वेयर बाय अटेन पर्सन इज प्रोमिस टू पे अटेन अमाउंट टू असन सो अमीर थ्रू दिन दिस नोट ही इज प्रोमिस सलमान दट ही थाउजेंड रुपीज विच ही बोरड फ्रॉम हिम सो दिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय द सप्लायर जो जो लैंड कर रहा है जो उसको गुड्स बेच रहा है बट प्रोमसरी नोट में बिल वो बनाता है सॉरी प्रोमिसरी नोट वो बनाता है जो पैसा एक्सेप्ट किया है जिन्होंने उधार लिया है जिसने उधार दिया है वो नहीं बना रहा है बिल ध्यान से समझिए वो नहीं बना रहा प्रोमिसरी नोट सलमान नहीं बोल सलमान नोट नहीं बना रहा है सलमान इसको ऑर्डर नहीं दे रहा है यहां पे सलमान उसको ऑर्डर दे रहा था कि मैंने तेरे को गुड्स बेचा तेरे को पैसा देना पड़ेगा इतना दिनों के बाद यहां पे सलमान उसको पैसा दे रहा है लेकिन आमिर खुद से एक नोट लिख रहा है और वो नोट में बोल रहा है कि क्या वो उसको, वो उसको सलमान को पैसा देगा पांच हजार रुपया दिनों के बाद थ्रू so, दैट नोट ही प्रोमिसिंग सलमान आमिर इज प्रोमिस सलमान दट इज गोइंग टू पे बैक दट फाइव थाउजेंड रुपीज सो देवर जिसने पैसा दिया उसने ऑर्डर नहीं दिया आमिर को. उसने ऑर्डर नहीं दिया बोरवर को जिसने पैसा लेंड किया है उसने ऑर्डर नहीं किया है रादर जिसने पैसा बोरो किया है वो खुद से एक नोट बना के दे रहा है प्रॉमिस करके दे रहा है कि वो पैसा देगा ये मेजर डिफरेंस होता है प्रॉमिसरी नोट एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ये चीज याद रखिएगा आप लोग ठीक है याद रखिएगा नाउ ये होने के बाद अब हम लोगों का काम आता है जो नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट क्या होता है ड्यू डेट ये हम लोगों को पहले समझना पड़ेगा उसके बाद इसका कैलकुलेशन क्योंकि इंपॉर्टेंट है बच्चों के एग्जाम्स में कभी कभी प्रॉब्लम्स में ड्यू डेट की कैलकुलेशन नहीं होती व्हाट इज ड्यू डेट जिस दिन बिल का तारीख लगा पेमेंट करने का तारीख लगेगा जिस दिन बिल का वैलिडिटी खत्म मैंने आपको पंद्रह दिन का समय दिया था सो उस बिल का वैलिडिटी पंद्रह दिन तक है जिस दिन वो पीरियड खत्म हुआ जिस दिन वो खत्म हो रहा वो उस दिन का बोलते हैं ना ड्यू डेट सो so, वो ड्यू डेट का कैलकुलेशन करना है और एग्जाम्स में कभी कभी नहीं दिया रहता है तो नहीं दिया रहता है एग्जाम्स के क्वेश्चंस में तो हम लोगों को निकालना पड़ेगा एक क्वेश्चन में अगर दे दिया रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन अगर नहीं दिया रहता है बच्चों तो फिर हमें कैलकुलेट करना पड़ता है सो so, अभी हम लोग उस पर चलते हैं कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट पे ठीक है तो चलिए कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट करते हैं चलिए बच्चो तो कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट करते हैं पहले आपको आ, इस पे दो केस आएगा एक आ, आफ्टर डेट और एक आफ्टर आ, साइट क्या है आफ्टर डेट और आफ्टर साइट आ, पहले एक छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग और एग्जाम्पल लेकर अभी इसको इस आफ्टर डेट और इस आफ्टर साइट को हम लोग भूल जाते हैं और बिना इज आफ्टर डेट और आफ्टर साइट को लिए हम लोग करते हैं जस्ट एक रफ आइडिया के लिए कि क्या करना है कैसे करना देखिए फॉर एग्जांपल ए सोल्ड गुड्स टू बी ऑन फर्स्ट जनवरी 2020 ठीक है ऑन क्रेडिट और ए ने बी को तीन महीना का समय दिया है थ्री मंथ्स टाइम ठीक है तो ड्यू डेट का मतलब क्या होता है बच्चों ड्यू डेट का मतलब होता है कि ये जब तीन महीना खत्म होगा तो उस तीन महीना कौन से तारीख को खत्म होगा सो so, बहुत सिंपल है फर्स्ट जनवरी से एक महीना लो फर्स्ट फेब दूसरा महीना लो फर्स्ट मार्च तीसरा महीना लो फर्स्ट अप्रैल सो so, फर्स्ट अप्रैल को तीन महीना खत्म होता है नियम के हिसाब से बच्चों हम लोग क्या करते हैं कभी कभी ग्रेस पीरियड भी अलाउ होता है ग्रेस पीरियड मतलब जिस दिन वो आपका टाइम खत्म हुआ आपने तीन महीने का समय दिया था इसे हम लोग मैच्योरिटी पीरियड बोलते हैं मैच्योरिटी पीरियड तो क्या होता है बच्चों मेच्योरिटी पीरियड मैच्योरिटी पीरियड वो पीरियड होता है मैचोरिटी पीरियड वो पीरियड होता है जितना पीरियड आपने समय दिया है अपने ड्रॉइ को पेमेंट करने के लिए सेलर ने जितना समय दे करके रखा है जितना दिन का जितना महीनों का समय दिया है वो टाइम पीरियड जो अलाव होता है वो टाइम पीरियड को मेच्योरिटी पीरियड बोलते हैं सो फर्स्ट अप्रैल से और तीन दिन का ग्रेस पीरियड अलाउ होता है तीन महीना तो दिया गया और उसके बाद तीन दिन का ग्रेस पीरियड भी अलाउड होता है बच्चों ये ग्रेस पीरियड जरूरी नहीं है कुछ जरूरी नहीं कि देना ही पड़ेगा विदाउट ग्रेस भी होता है बिल और विथ ग्रेस भी होता है अगर विथ ग्रेस होगा तो तीन दिनों का ग्रेस पीरियड अगर विदाउट ग्रेस होगा तो फिर कोई ग्रेस पीरियड नहीं तब फर्स्ट अप्रैल को ही ड्यू डेट लग गया और अगर ग्रेस पीरियड दिया गया हुआ है तो फिर आपका ड्यू डेट लगेगा फोर्थ अप्रैल दिस इज माई ड्यू डेट मतलब इस दिन बिल का पैसा पे करना है किसे पे करना है ड्रॉई को फोर्थ अप्रैल को पेमेंट करना मतलब बी इस सिचुएशन में ए ने बी को सामान बेचा था सो दे बी को तीन महीना का समय दिया गया था एक जनवरी से सो so, एक जनवरी से तीन महीना खत्म कब हो रहा फोर्थ एक अप्रैल को खत्म हो रहा है प्लस तीन दिन ग्रेस फोर्थ अप्रैल को खत्म हो रहा है ठीक ये सिंपल है हम लोग बच्चों सम्स करेंगे अभी जस्ट आपको आइडिया दे रहे हैं आज ऐसे हम लोग सम्स करेंगे अलग से जर्नल एंट्री सम्स पे आने के पहले हम लोग पहले ड्यू डेट्स के ऊपर में सम्स करेंगे उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं आफ्टर साइट और आफ्टर डेट अब मान लीजिए ए सोल्ड गुड्स टू बी ऑन क्रेडिट On first January two thousand twenty B accepted the bill on fourth January. So B accepted the bill. ऑन फोर्थ जनवरी सो बी ने फोर्थ जनवरी को बिल एक्सेप्ट किया राइट सो बी ने फोर्थ जनवरी को बिल एक्सेप्ट किया मेरे बच्चों अब यहां पे एक प्रॉब्लम आ रहा है अच्छा और यहां पर भी थ्री मंथ्स टाइम दिया हुआ है फॉर थ्री मंथ्स ठीक है अब यहां पे अगर आप लोग एक चीज ऑब्जर्व करोगे तो यहां पर एक प्रॉब्लम यह आ रहा है कि बिल बनाने का डेट फर्स्ट जनवरी है और जिस दिन बिल एक्सेप्ट किया गया बी के द्वारा मतलब जिस दिन उसने बिल पे अपना साइन किया वो फोर्थ जनवरी है अब क्वेश्चन आता है कि ये जो आपने तीन महीना आपको लेना है ये तीन महीना आपको कहाँ से गिनना है फर्स्ट जनवरी जिस दिन बिल बना या जिस दिन सामान बेचा गया समझ लीजिए बिल बना फर्स्ट जनवरी को फास्ट जनवरी टू थाउजेंड थ्री को बे, सामान बेचा भी किया और उसी दिन बिल ड्रॉ भी हुआ ठीक है सो एक जनवरी को बिल बनाया गया और बिल ड्रा भी हुआ लेकिन बी एक्सेप्ट कर रहा जनवरी क्योंकि होता है कि बिल मैंने ड्रा किया बिल उसके पास भेजेंगे राइट सप्लायर के बायर के पास मैंने बिल भेजा फिर उसने बिल एक्सेप्ट किया उसने मेरे को तब उसने बिल मेरे पास भेजेगा वापस मेरा जो बायर होता है वो बिल को एक्सेप्ट करके साइन करके वो मेरे को वापस करेगा मेरे को मतलब हम लोग कौन है हम और आप लोग कौन हम लोग सेलर हैं हम लोग बिजनेस है ठीक है सो देयर फॉर द बिल ऑन 4 जनवरी को एक्सेप्ट हुआ सो so, ये चीज याद रखना कि अगर दो डेट यहाँ पे दिया हुआ है किस दिन बिल जिस दिन बिल बना और एक दिन बिल एक्सेप्ट हुआ सो so, बिल ड्रा करने का डेट और बिल को एक्सेप्ट करने का डेट बिल को ड्रॉ करने का डेट है एक जनवरी 2020 और बिल को एक्सेप्ट करने का डेट है फोर्थ जनवरी 2020 जब यह दिया रहता है तब बच्चों आपको क्वेश्चन में आपको यह चीज ढूंढना पड़ेगा जो हम आपको यहां पे बता रहे थे आफ्टर डेट और आफ्टर साइट बिल में ये दोनों में से एक ना एक चीज तो मेंशन रहेगा आफ्टर डेट या आफ्टर साइट बोल करके मेंशन रहेगा अगर आफ्टर डेट मेंशन किया गया है तो जिस दिन बिल बनाया गया है आप उस दिन से तीन महीना लोगे अगर आफ्टर डेट बोला गया है तो और अगर आफ्टर साइट बोला गया है साइट का मतलब जिस दिन नजर आना जिस दिन मेरे विजन में आया तो वो किस दिन आया जिस दिन बिल एक्सेप्ट हुआ सो so देो तब आप चार जनवरी जिस दिन बिल एक्सेप्ट हुआ उस दिन से आप तीन महीना गिनोगे या उस दिन से आप अपना टाइम गिनोगे राइट सो आफ्टर डेट और आफ्टर साइट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर एक ही दिन एक ही डेट दिया हुआ है क्वेश्चन में कि इसी इसी दिन दिन बना और एक्सेप्ट भी हो गया तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं ले। लेकिन प्रॉब्लम तब होता है जब बिल का दो डेट आपको मेंशन दे दिया रहता है बिल बनाने का डेट अलग और बिल एक्सेप्ट करने का डेट अलग तो उस सिचुएशन में आपको खोजना पड़ता है क्वेश्चन में कि बिल जो बना ये आफ्टर डेट बना है कि आफ्टर साइट आफ्टर डेट मतलब जिस दिन बिल बना उस दिन के बाद से हम डेट गिनना शुरू कर देंगे उस दिन से गिनना शुरू कर देंगे जिस दिन बिल बना और आफ्टर साइट का मतलब होता है कि जिस दिन बिल मेरे नजर में आया किसके नजर में ड्रॉई के नजर में, में। जिसके ऊपर में बिल बनाया गया उसके नजर में जिस दिन बिल आया सो so, अगर आफ्टर डेट है तो जिस दिन बिल बना वहां से लेना और अगर आफ्टर साइट है तो जिस दिन बिल एक्सेप्ट हुआ वहां से फिर आपको अपना समय गिनना पड़ेगा सो आज के लिए बच्चों हम लोग ड्यू डेट में कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट में सिर्फ इतना जानकर रखते हैं नेक्स्ट uh, सेशन में हम लोग इस पर अलग से सम्स करेंगे कुछ सम्स करेंगे उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे अभी फिलहाल ये हमको आई होप कि इतना लॉजिक इतना कंसेप्ट आपको ड्यू डेट के रिलेटेड समझ में आया क्योंकि ड्यू डेट निकालना हम लोगों को जरूरी है क्योंकि इस ड्यू डेट के कैलकुलेशन के ऊपर में भी बहुत सारा कैलकुलेशन डिपेंड करता है वो क्या होगा वो हम लोग आगे देखेंगे राइट आज हम लोग अब ये लास्ट पार्ट में आ रहे हैं हम लोग यहाँ जर्नल एंट्री से शुरू करते हैं तीन जर्नल एंट्री आपको अभी बेसिक जर्नल एंट्री बताएंगे बच्चों तीन बेसिक जर्नल एंट्री बताएंगे ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि आज का सेशन ज्यादा हम हैवी करना नहीं चाहते हैं सो तीन बेसिक जर्नल एंट्री करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन से सम्स धीरे धीरे सम्स और जर्नल शुरू करेंगे अभी फिलहाल से आज हम लोग सिर्फ तीन जर्नल एंट्रीज करेंगे ठीक है हम सारे जर्नल एक साथ नहीं कर सकते हैं लेकिन ये तीन जर्नल एंट्री में जिस कॉन्सेप्ट पे आपको बताऊंगा उसी कॉन्सेप्ट पे सारे जर्नल एंट्रीज भी होंगे ठीक है तो जर्नल एंट्री सबसे पहला क्या होता है बिल बनाने के पहले गुड्स खरीद या बेचा जाता है ये होता है हम तो ऐसे से आपको बिल नहीं बना देंगे देर टू बी ट्रांजेक्शन परचेज सेल्स होगा ड्रॉवर का मतलब क्या होता है बच्चों मैंने आपको पहले कह दिया था सेलर इज अ ड्रॉवर और बायर इज द ड्रॉई सो सेलर के बुक्स में अगर एंट्री पास करे तो सेलर गुड्स बेचता है और बायर तो गुड्स खरीदता है यानी कि आपको क्वेश्चन में याद रखना आपको दोनों के पार्टी दोनों पार्टी के तरफ से जनरल एंट्री पास करने बोला जा सकता है या दोनों में से किसी का भी बुक्स में आपको एंट्री पास करने बोला जा सकता है थम रूल इज दैट जैसा देवता वैसा पूजा जैसा देश वैसा वेश मतलब जिस बुक में एंट्री पास कर रहे हो आप वही बनकर सोचना अगर ड्रॉवर के बुक में एंट्री पास करोगे तो ड्रॉवर बन के सोचना ड्रॉई बन अगर बुक में एंट्री पास करोगे तो ड्रॉई बनकर सोचना ठीक शुरू करते हैं एंट्री वेन गुड्स आर सोल्ड हम लोग अभी कौन है हम लोग ड्रॉवर हम लोग गुड्स बेच रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों हम लोग गुड्स बेच रहे हैं तो जब हम लोग गुड्स बेचते हैं तो गुड्स सोल्ड का एंट्री तो हम लोग क्लास इलेवन का स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं सो सेल्स किया हमने सेल्स मेरे लिए क्या होता है रेवेन्यू ये सेल्स हमने किसको किया बच्चा ड्रावर ने यह सामान किसे बेचा ड्रॉई को बेचा किसे बेचा ड्रॉई को बेचा आप अगर यहाँ पे नाम देना चाहते तो नाम दे सकते हैं सलमान अगर ड्रावर है और सलमान सॉरी आमिर सलमान नहीं सलमान तो ड्रावर था और आमिर यहाँ पे ड्रॉई है सो so, देखो सेल्स रेवेन्यू हो जाता है अब अगर मान लीजिए सलमान आपके लिए ड्रॉवर है तो हम लोग अभी सलमान है हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग आमिर को सामान बेच रहे हैं तो इन डैट केस आमिर हमारे लिए कौन हो जाएगा आमिर हमारे लिए डेटर हो जाएगा क्यों ध्यान सोचो सलमान हम लोग सलमान हैं हम लोग गुड्स बेचे हैं आमिर को कैसे बेचे उधार में सामान बेचे हैं कैसे बेचे उधार में सामान बेचे बच्चों सो इन दैट केस आमिर मेरे लिए डेटर डेटर मेरे लिए क्या हो जाएगा एसेट ठीक है सो सेल्स मेरे लिए रेवेन्यू बढ़ा क्रेडिट और आमिर मेरे लिए डेटर डेटर बोले तो एसेट बड़ा डेबिट और सेल्स रेवेन्यू बड़ा क्रेडिट तो सलमान अपने बुक में क्या एंट्री पास कर रहा है सलमान अपने बुक में एंट्री पास करेगा ड्रॉई देखिए यहाँ पे जो ड्रॉई का नाम हमें पता है और वो क्या है आमिर अगर ड्रॉई का नाम ना पता रहे तो आप ड्रॉई लिखता अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट ये एंट्री हो गया गुड्स बेचने का अब आ जाओ बुक्स ऑफ ड्राइ मतलब हम लोग अमीर के बुक्स में आ जाते हैं अब हम लोग आमिर है अब हम लोग आमिर है हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों हम लोग गुड्स खरीद रहे हैं so, सो हम लोग गुड्स खरीद रहे हैं तो गुड्स हमारे लिए एसेट बड़ा हम लोग गुड्स किससे खरीद रहे बच्चों हम लोग ड्रॉवर से खरीद रहे हैं गुड्स ड्रॉवर हमारे लिए कौन है यहाँ पे ड्रॉवर हमारे लिए सलमान है हम लोग गुड्स कैसे खरीद रहे हैं बच्चों क्रेडिट में खरीद रहे हम लोग देखिए खरीदने वाला है इससे पहले हम लोग सलमान थे हम लोग अमीर बन गए तो जर्नल एंट्री पास नहीं पड़ेगा ऐसा आपको रोल स्विच करता रहना पड़ेगा हम लोग ड्रॉवर है हम लोग ड्रॉइज है हम लोग अमीर है अभी हम लोग सलमान से गुड्स खरीद रहे हैं तो सलमान हमारे लिए क्या हो जाएगा क्रेडिटर हो जाएगा क्रेडिटर बोले तो हमारे लिए लाइबिलिटी हो जाएगा तो हमारा लाइबिलिटी बढ़ेगा क्रेडिट लि और गुड्स एस एन एसेट बढ़ेगा डेबिट तो जर्नल एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू सलमान मतलब यहां पे ड्रॉवर क्लियर है सो परचेज सेल्स के एंट्री जैसे हम लोग करते हैं बट जिसके बुक्स में एंट्री बन पास कर रहे हो वही बनकर सोचना अब अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था थोड़ा देर पहले कि ये जो ड्रॉवर है अपना ये इसके ऊपर में बिल बनाता है राइट right. ये पहले उसको क्रेडिट सेल्स करता है और उसके बाद ये उसके ऊपर बिल बनाता है और ये उसके बिल को एक्सेप्ट कर लेता है इस बिल को एक्सेप्ट करता है इस बिल को एक्सेप्ट करता है बच्चों मैंने आपको यह चीज कहा था कि जब तक ना ड्रॉई इस बिल को एक्सेप्ट करे तब तक इस बिल का कोई महत्व नहीं है जिसके ऊपर बिल बनाया गया है उसे इस बिल को एक्सेप्ट करना पड़ता है और जैसे ही बिल एक्सेप्ट होता है मैंने आपको कहा था कि जैसे ही बिल एक्सेप्ट हो जाता है यह महज कागज का टुकड़ा नहीं रहता है ये इस बिल की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है ये बिल ड्रॉवर के लिए एक एसेट है और यही बिल ड्रॉई के लिए लायबिलिटी है अब आप लोग सोचेंगे सर यह कैसे हो रहा है थोड़ा सा इसे हमें अच्छे से समझा सकते हैं बिल्कुल बच्चों ये जो बिल बना ये बिल इस बिल के अगेंस्ट में ड्रॉवर को पैसा मिलेगा और इस बिल के अगेंस्ट ड्रॉई को पैसा देना है सो so, अगर इस बिल के अगेंस्ट में पैसा मिलेगा ड्रॉवर को अब ड्रॉवर इस बिल को अपने जान से भी ज्यादा संभाल के रखेगा क्योंकि इस बिल के अगेंस्ट पैसा आने वाला है ये बिल को खो नहीं सकता ये बिल इसके लिए रिसीवेबल है और ये बिल इसके लिए पेएबल है मतलब ड्रॉई को इस बिल के अगेंस्ट पैसा पे करना है और ड्रॉवर को इस बिल के अगेंस्ट में पैसा मिलेगा सो जैसे ही ड्रॉई इस बिल पे अपना एक्सेप्टेंस देता है वो बिल ड्रॉवर के लिए एसेट बन जाता है यानी कि ड्रॉवर अभी एसेट मानेगा वो बोलेगा कि भाई ये मेरा लिए एसेट है अब ड्रॉवर सलमान आमिर को अपना एसेट नहीं मानता क्योंकि अब आमिर से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है आमिर के द्वारा एक्सेप्ट किया गया वो बिल उसी तरह आमिर के लिए अब सलमान लाइबिलिटी नहीं है आमिर बोलता है सलमान तू अगर मेरे पास आया ना पैसा नहीं दूंगा जब तक ना तेरे हाथ में बिल होगा मैं तेरे को पैसा नहीं दूंगा वो बिल के अगेंस्ट में पैसा देना हो तो जब आइयो तो पैसा बिल लेकर आइयो भाई वो पैसा वो बिल लेकर आना अदरवाइज पैसा नहीं मिलेगा सो ये बिल एक जन के लिए ड्रॉअर के लिए एसेट है जिसको इस बिल के अगेंस्ट पैसा मिलेगा और यही बिल ड्रॉइंग के लिए लाइबिलिटी है जिसको इस बिल के अगेंस्ट में पैसा देना है सो so, अभी आप ये जर्नल एंट्री में देखिए इनके बीच का रिलेशनशिप को स्टडी करिए इनके बीच का रिलेशनशिप अगर आप देखोगे तो डेटर और क्रेडिटर का रिलेशनशिप है देखिए सलमान के लिए आमिर डेटर है और आमिर के लिए सलमान देखिए कौन है क्रेडिटर है लाइबिलिटी है राइट ये अभी पोजीशन है तो सलमान ने आमिर को गुड्स बेचा ड्रावर ने ड्राई को गुड्स बेचा सेलर ने बायर को बेचा सामान हम लोग सलमान है भी मान लीजिए तो हम लोग ने क्या किया आमिर अकाउंट डेबिट टू सेल्स हमारे लिए आमिर एज ए डेटर एसेट बड़ा डेबिट और सेल्स रेवेन्यू बड़ा क्रेडिट आप अगर हम लोग आमिर की तरफ से सोचे तो आमिर सामान खरीद रहा है तो उसके लिए परचेस बढ़ेगा डेबिट और सलमान उसके लिए लाइब्रेटी हो जाएगा क्रेडिट अब बनता है बिल देखिए बच्चों बिल बनाने का कोई एंट्री नहीं होता मैंने कहा बिल बना मैं किसी के ऊपर में बिल बना सकता मैं तो बैरक ओबामा के ऊपर में बिल बना सकता तो मैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बिल बना दूँ बिल बनाने का कोई एंट्री होता है जब तक ना बिल एक्सेप्ट हो तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा तो है बिल ड्रॉन बट एक्चुअली एंट्री तभी पास होगा जब ड्राई बिल को एक्सेप्ट करेगा तो बच्चों याद रखना ये है बिल ये बिल जैसे ही एक्सेप्ट होता है यह बिल ऑफ एक्सचेंज सलमान के लिए मतलब ड्रॉवर के लिए आमिर एज अ डेटर एज एन एसेट डिक्रीज और बिल रिसीवेबल एज एन एसेट इंक्रीज अब देखो ये क्यों हो रहा है कितना लॉजिकल चीज है इसने पांच हजार रुपया का गुड्स बेचा बायर इसको क्रेडिट में सलमान आमिर अभी हम लोग सलमान के तरफ से सोचते हैं तो जब हम लोग ने जब सलमान ने क्रेडिट सेल्स किया तो सलमान के लिए आमिर डेटर हुआ तो सलमान के बुक्स में क्या दिख रहा है कि आमिर से पैसा मिलेगा लेकिन जब सलमान ने आमिर के ऊपर में यह बिल बनाया तो अब वो अपना एसेट किसको मान रहा है बिल को मा, मान रहा है सलमान बिल को एसेट मान रहा है सो so देरफोर अगर वो अपना अगर वो बिल को एसेट मान रहा है वो बिल के अगेंस्ट में पैसा रिसीवल दिखा रहा है तो फिर उसको आमिर का अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि एक ही ट्रांजैक्शन हुआ आमिर को मैंने पांच हजार रुपया का सामान बेचा है उधार में तो अगर मैं आमिर को डेटर मान रहा हूं आमिर को इंपॉर्टेंस दे रहा हूं तो फिर बिल मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए क्योंकि एक ही ट्रांजेक्शन से दो अलग अलग रिसिवेबल्स नहीं हो सकते हैं हम एक ही बार सामान बेचे हैं आमिर को हम आमिर को भी डेटर मानेंगे आमिर से पैसा आ रहा है भी लिखेंगे और बिल से भी पैसा आ रहा है ये कैसे लिखेंगे दो बार कैसे होगा तो एक ही बार होगा राइट सो पैसा तो देगा ही आमिर लेकिन अगर आप आमिर को डेटर मान रहे हो अगर अपना बुक्स में आपने आमिर को जगह दिया है आप दिखा रहे हो कि आमिर से पैसा आएगा सो दे इन दैट केस आमिर डेटर है जैसे इस सिचुएशन हम लोग किए आमिर को डेटर बनाया राइट right, अभी तक बिल बनानी है इसलिए सलमान के लिए अमीर डेटर है और अमीर के लिए सलमान इज अ लाइबिलिटी बट जैसे ही बिल बनता है याद रखना दोनों ड्रॉवर और ड्रॉई के लिए एक दूसरा का इम्पोर्टेंस घट जाता है एक दूसरा के लिए इम्पोर्टेंस घट जाता है और बिल का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है मतलब मेरा जो अमीर है वो बिल को अपना लाइबिलिटी मानता है वो बोलता है बिल रहेगा तो पैसा देंगे और हम भी बिल को अपना एसेट मानते हैं हमको पता है कि बिल दिखाएंगे तो पैसा मिलेगा बिल नहीं दिखाएंगे तो पैसा नहीं मिलने वाला है क्लियर सो so, एक दूसरा का इंपॉर्टेंस घट रहा है मतलब जैसे ही बिल बनेगा तो अब हम अपना बुक्स में बिल रिसीवेबल दिखाएंगे कि बिल रिसीवेबल इस बिल से पांच हजार रुपया आ रहा है और आमिर से जो पांच हजार रुपया

एज एन एसेट खड़ा है और या तो बिल रिसीवल एज as एन एसेट रहेगा जो आमिर के ऊपर ही बना हुआ है so, को भी और बिल रिसीवल को भी अपना एक ही ट्रांजेक्शन के लिए, सेम के लिए ही आ, और बिल भी तो गलत हो जाएगा सो दे फॉर इफ इन वेन वी सोल्ड गुड्स वी रिकॉगनाइज आमिर एज माई डेटर द मोमेंट आई ड्रॉ बिल ऑन माई डेटर ऑन आमिर आमिर इंपॉर्टेंस डिक्रीज इज ना इज नो मोर माई डेटा क्लोज इज द बुक ऑफ आमिर एन आमिर के लिए जगह कौन ले लेता है बिल रिसीवेबल सो बिल रिसीवेबल एज एन एसेट बढ़ेगा डेबिट और आमिर डेटर एज एन एसेट घटेगा क्रेडिट तो जर्नल एंट्री विल बी बी आर अकाउंट डेबिट टू आमिर मतलब टू ड्रॉई अकाउंट समझ में आया सो ड्रॉवर के लिए ड्रॉवर के लिए बच्चों ड्रॉइ एज अ डेटर खड़े जाता है दोनों के लिए याद रखना ड्रॉ ड्राई दोनों के लिए दोनों के लिए बिल का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है मैंने कहा था आपको में कहा था कि जैसे ही बिल में क्योंकि ड्रॉइ अब आमिर अब सलमान को अपना लाइबिलिटी नहीं मान रहा है आमिर बोल रहा है कि मेरा तो लाइबिलिटी वो बिल है जिसपे मैंने अपना सिग्नेचर किया वो बिल है मेरा लाइबिलिटी मैं उसको लाइबिलिटी मानता हूं

अब आमिर की तरफ से सोचो हम लोग आमिर है तो हम लोगों के ऊपर में बिल बनाया गया तो जब हमारे ऊपर में बिल बनाया गया तो अब हम बिल को रिकगनाइज़ कर रहे हैं एज़ अ लाइब्रेटी हम आमिर को हम सलमान को रिकगनाइज़ नहीं कर रहे हैं एज आ लाइब्रेटी और हम दोनों को एक साथ नहीं कर सकते हम सलमान को भी लाइब्रेटी मानेंगे बीपी को भी लाइब्रेटी मानेंगे ये कैसे होगा मैंने एक मैंने इस पेन को ख़रीदा उधार में मैंने खरीदा सलमान से ठीक तो सलमान मेरा लाइब्रेटी है अब सलमान मेरे ऊपर इसी पेन के लिए बिल बनाया है तो बिल भी लाइबिलिटी हो सलमान भी कैसे लाइबिलिटी हो जाएगा या तो सलमान लाइबिलिटी होगा तो बिल लाइबिलिटी होगा अगर बिल को लाइबिलिटी मान रहे तो सलमान को क्लोज करेंगे क्लियर है सेम फंडा सो सलमान एज घटेगा और बीपी एज ए लाइबिलिटी बढ़ेगा सो मेरा पास नया लाइब्रिटी आया हम लोग कौन है हम लोग आमिर है हम लोग आमिर है बीपी एस एडा क्रेडिट और सलमान एज ए लाइब्रिटी घटा डेबिट और जनरल एंट्री क्या होगा सलमान यहाँ पे नाम है अगर नाम नहीं आ रहा है तो याद रखना ड्रॉवर ड्रॉवर अकाउंट डेबिट बीपी सो यह सबसे इंपॉर्टेंट पहलू समझना है कि ड्रॉवर और ड्रॉइ के बीच में डेटर और क्रेडिटर का रिश्ता है सेलर और बायर के बीच में डेटर और क्रेडिटर का रिश्ता होता, होता है लेकिन जैसे ही बिल बनता है और बिल एक्सेप्ट हो जाता है दोनों के नजर में एक दूसरा का इंपॉर्टेंस घट जाता है दोनों कोई एक दूसरा का अकाउंट को क्लोज कर देता है और वो लोग बिल का अकाउंट खोलता है क्योंकि अब नया एसेट ड्रॉवर के लिए और नया लाइबिलिटी ड्रॉई के लिए आया पहले भी बहुत कुछ होगा पर जस्ट एक आपको हिंट दे रहे कि जब मेचोरिटी होता है बच्चों तो मेचोरिटी का दिन में जैसे मैंने कहा कि जनरली पेमेंट बैंक के थ्रू होता है बैंकर के थ्रू होता है सो so, ड्रॉवर ये बिल अपने बैंक को भेज देता है बैंक पैसा कलेक्ट करता है सो so, देखो जिस दिन मैचोरिटी डेट लगेगा याद रखना जिस दिन मैचोरिटी डेट लगेगा ड्यू डेट लगेगा बी का इम्पोर्ट बी एज एन एसेट घट गया देखिए बच्चों आपको जब ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू होता है तो आपकी ड्राइविंग लाइसेंस की एक वैलिडिटी रहती है आपकी एटीएम कार्ड जब इशू होता है देखना एटीएम कार्ड के पीछे में रहता है वो कब तक का वैलिड है और जब तक का वो डेट रहता है वो वैलिड उस दिन तक रहता है उसके बाद वो काम करना बंद कर देता है वो ड्राइविंग लाइसेंस काम करना बंद कर देता ड्राइविंग लाइसेंस का कोई वैल्यू नहीं होता है उसी तरह बिल जब बना है और जितना दिन के लिए बना है वो दिन पूरा हो जाने के बाद वो मेचोरिटी दिन जैसे आता है ड्यू डेट जैसे आता है उस दिन वो बिल एक महज कागज का टुकड़ा हो जाता है राइट सो बी का अकाउंट हम लोग बंद कर देते हैं और उसके बदले में पैसा हमारे बैंक में आया सो so, ड्रॉवर के लिए बैंक में पैसा आया बैंक एज एन एसेट बढ़ेगा डेबिट और आज से आज इसी वक्त बी आर उसका एसेट खत्म उस बी आर के बदले में पैसा आ गया उस बिल्स के बदले में पैसा आ गया तो जब पैसा आ गया तो बैंक हम अपना एसेट को बढ़ाएंगे और बी आर का अकाउंट को क्लोज कर देंगे क्योंकि ड्यू डेट का दिन तो पैसा हमको मिल जा रहा है तो पैसा मिल जा रहा है तो बिहार का अकाउंट क्यों खुला रहेगा बिहार अकाउंट खुला और बिहार अकाउंट बंद हो गया बिल रिसीवर अकाउंट खुला और बिल रिसीवर अकाउंट बंद हो गया समझ so, में आ रहा है बच्चों बिल अकाउंट खुला देखिए यहां पे बिल रिसीवर अकाउंट खुला देखिए यहां पे और फिर यहां पे बिल रिसीवल अकाउंट बंद हो गया ड्यू डेट का दिन उसके बाद अगर यहां पे आगे देखिएगा आमिर का अकाउंट खुला आमिर का अकाउंट यहां पे आपने बंद किया तो अल्टीमेटली अगर आप सलमान के बुक में देखिएगा तो सिर्फ सेल्स अकाउंट खुला है और यहां बैंक तो अल्टीमेटली अगर आप तीनों एंट्री का समराइज करिएगा तीनों एंट्री को एक एंट्री में कन्वर्ट करिएगा तो आपका अल्टीमेटली ये आ रहा बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए तीन स्टेप्स था पहले हम लोग ने गुड्स बेचा तो सलमान ने क्या पास किया आमिर टू सेल्स आमिर को डेटर बनाया फिर आमिर के ऊपर तो 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 आ जाएगा लेकिन ये प्रोसेस होने के लिए दो महीना लगा दो महीना क्यों क्योंकि दो महीना मेच्योरिटी डेट था पंद्रह दिन क्यों पंद्रह दिन मेच्योरिटी डेट था तीन महीना भी लग सकता तीन महीना जितना मेच्योरिटी डेट लंबा रहेगा उतना समय लगेगा और उस समय के बाद ही बैंक में पैसा आएगा राइट right? समझ में आ रहा है आप लोगों को इन द बुक्स ऑफ द ड्रॉई के लिए अब देखो क्या होगा, Drawi के लिए बीपी एस ए लाइबिलिटी खत्म होगा वो पेमेंट कर रहा है और उसका बैंक से पैसा निकला तो बैंक एज एन एसेट घटा क्रेडिट बीपी एस ए लाइबिलिटी घटा डेबिट सो जर्नल एंट्री होगा बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक सो फॉर मैच्योरिटी का दिन में ड्रॉई के लिए क्या हो रहा है बच्चों ड्रॉई के लिए बी पी एज ए लेबिलिटी कम हो रहा है और बैंक एज एन एसेट भी कम हो रहा है जिस दिन मैचोरिटी डेट है ड्रॉई पेमेंट करेगा ड्रॉई पेमेंट करेगा तो उसका लेबिलिटी ख़त्म ड्रॉर के लिए एसेट खत्म बिहार एज as एन एसेट बिहार के बदले में पैसा आ गया जब तक पैसा नहीं आया तो बिहार मेरे लिए एसेट था जैसे पैसे आया बिहार मेरा एसेट खत्म बैंक में पैसा आ गया बैंक बढ़ गया और ड्रॉई के लिए जब तक वो पेमेंट नहीं किया ड्यू डेट तक िटी था जैसे ड्यू डेट आया बिल का वैल्यू खत्म हो गया ड्यू डेट का दिन बिल का वैल्यू खत्म हो गया so, के लिए तो पैसा आया सो so, आज का सेशन हम लोग यहां तक रखते हैं आगे अभी और भी जर्नल बचा हुआ है आराम से करेंगे या रिलेशनशिप याद करके रखो कोई कंफ्यूजन होने का जरूरत नहीं कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है किसी भी तरह का डर होने का आपको करने की आपको करने की जरूरत नहीं है हम हमें आपके साथ फिर समझाएंगे बार बार समझाएंगे कोई टेंशन मत लेना सेकंड सेशन में हम लोग और जनरल इंट्रीज़ को आगे बढ़ाएंगे और बार बार मैं ये चीज़ को रिपीट करता रहूँगा रिपीट करता रहूँगा आपको कोई टेंशन नहीं होगा जनरल इंट्री याद नहीं करना बच्चा समझना अगर ना समझ में आए तो फिर से पूछना फिर से देखना लेकिन समझना ज़रूर बिना समझे कुछ मत लिखना नहीं समझ में आ रहा है मत लिखो जब तक ना समझ में आए तब तक मत लिखो Right. So, with this note, I would like to end this today's session. I hope that you understood this class. Feel free to get in touch with us, with me, or with my team for any kind of clarification doubt. Till then, take care. Bye bye.